गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एथ स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट एटीन नाइनटीन लेसन लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स ठीक है तो लास्ट टाइम हम लोग देखा था बर्थ ऑफ स्टार कैसे होता है ये सब लास्ट वीडियो में देखा था तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स स्टार्स कैसे स्टेबल, स्टेबल रहता है तो सन जो है ये अपने को पता है सन जो है सन कैसे स्टेबल रहता है सबको पता है ना सन कैसे स्टेबल रहता है पता नहीं है अब ये तो पता है ना सन कैसे है, दिखते हैं अपने को तो सन जो है फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स जो रहता है वो अनचेंज रहता है ठीक है द सन रिमेन अनचेंज ओवर द फोर पॉइंट लास्ट फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स तो ये क्यों स्टेबल रहता है क्योंकि उसमें आ, क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उसकी वजह से वो स्टेबल रहता है फॉर एग्जाम्पल हम लो, हम लोग एक इंडियन स्टिक जो अगरबत्ती रहता है वो जलाने के, एक कॉर्नर में लगा दिया जला के तो भी आपने को पूरा रूम को उसका स्मेल आता है है क्या नहीं तो वैसे ही ये जो न, आ, क्या बोलते हैं बॉइलिंग वाटर का जो कवर रहता है वो निकाल दिया तो क्या है स्टीम जो रहता है वो स्प्रेड हो जाता है ठीक है उसके पूरा एरिया में उसका स्टीम जो है वो स्प्रेड होता है वैसे ही ये हॉट गैस जो रहता है वो स्प्रेड होते ही रहते हैं सन में से जो हॉट गैस रहता है वो स्प्रेड होते रहता है ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है गैस पार्टिकल्स को जो ठीक है गैस पार्टिकल्स का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है तो वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं एक नज़दीक लेके आते हैं एंड इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ब्रिंग द गैस पार्टिकल्स क्लोज टूगेदर द प्रेशर ऑफ द हॉट गैस विच इज़ कॉन्सटेंटली ट्राइंग टू बी डिस्पर्स द गैस बैलेंस तो जो प्रेशर रहता है हॉट गैस का वो उसको दूर बेचने के ले लिए जाते हैं लेकिन जो डस्ट पार्टिकल का जो ये रहता है गैस पार्टिकल्स का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो सेंटर में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं उसकी वजह से वो स्टेबल रहता है ठीक है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टार जो स्टार का सेंटर रहता है उधर आने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ट्राई करते हैं तो जो गैस प्रेशर है वो आउटवर्ड्स साइड में ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो उसकी वजह से वो स्टेबलाइजन रहता है आप लोग टग ऑफ ऑफर तो खेला रहेगा ना दो जो खींचने का, का खेल वो खेलने के टाइम पे देखो दोनों साइड से खींचते रहता है तो जो मिडिल का वायर जो रहता है वो क्या रहता है मिडिल में ही रहता है ठीक है तो ये सेम वैसे ही होता है गैस और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्शन जो रहता है वो सेम वैसे ही रहता है उसकी वजह से वो मिडिल में उसका स्टेबल जो है वो स्टेबल होते ही रह रहते नेक्स्ट पॉइंट इज द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स ठीक है एवोल्यूशन बोलो तो क्या रहता है एवोल्यूशन ऑफ स्टार मीन्स चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज विच टाइम रिजल्टिंग इन इट्स पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ठीक है एवोल्यूशन बोलो तो ये जो अलग अलग स्टेजेस से पास होते ही है रहते हैं स्टार उसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड वी हैव सीन दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द सन नॉट चेंज फॉर फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स ये फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स तक इसका जो अनचेंज रहता है सन का प्रॉपर्टीज और स्टार जो रहता है वो इवाल्व वेरी स्लोली मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम ये स्टार जो है चेंज होते ही रहता है उनका लाइफ टाइम में और ए स्टार्स आर कंटिन्यूसली एमिटिंग एनर्जी देयर एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग जो स्टार में से एनर्ज जो लाइट है वो इल्यूमिनेटिंग ही रहता है स्टार्स हमेशा है क्या नहीं उसमें से एनर्जी बाहर फेंकते ही रहता है उसकी वजह से क्या होता है उसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज होते रहता है तो जब तक स्टेबिलिटे फॉर दर स्टेबिलिटी टू रिमेन इंटैक्ट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द गैस प्रेशर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ नेसेसरी दैट द टेम्परेचर रिमेनस कॉन्सटेंट तो ये जो फोर्स रहता है गैस का प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर जो रहता है कॉन्स्टेंट रहना चाहिए एंड फॉर द टेम्परेचर टू रिमेन कॉन्स्टेंट एनर्जी मस्ट बी जनरेट इनसाइड द स्टार तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने के लिए ये स्टार के अंदर में एक एनर्जी जनरेट होता ही रहता है एंड दिस जनरेशन ऑफ़ एनर्जी ओकेियर्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूअल एट द सेंटर ऑफ द स्टार स्टार के अंदर का जो क्या रहता है गैस रहता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए खुद को बर्न करते ही रहता है एंड द रीजन फॉर दिस एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इज द बर्निंग ऑफ एंड दर फॉर द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्यूअल इन दर सेंटर तो ये जब जनरेशन करने के लिए जो एनर्जी जनरेशन करने के लिए बर्न होते रहता है उसकी वजह से वो क्या होता है उसके अंदर का जो फ्यूअल रहता है वो कम होते जाता है एंड व्हेन द फ्यूअल इन द सेंडर फिनिशेस द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स जब उसके अंदर का फ्यूअल जो रहता है वो कम हो गया या फिनिश हो गया तो एनर्जी भी जनरेट होना बंद हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होएगा टेम्परेचर ऑफ़ द स्टार स्टार्स डिक्रीजिंग एंड जो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा

वो कम होते जाएंगे अंदर का जो एनर्जी खत्म हुआ तो गैस प्रेशर कम होते जाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा आएंगे तो स्टार जो रहता है वो क्या होएगा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है उनके कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद दिस कॉसेस द अनदर फ्यूअल टू तो स्टार्ट बर्निंग तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होने के बाद दूसरा गैस शुरू जो होता है एंड वेन हाइड्रोजन एट द सेंटर इज फिनिश हीलियम स्टार्ट्स अंडर गोइंग द फ्यूशन एंड एनर्जी जनरेशन स्टार्ट्स अगेन तो ये मास का स्टार के हिसाब से कितना फ्यूल्स बर्न होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है मास का जो स्टार का वेट रहता है उसके हिसाब से जितना फ्यूल्स बर्न होता है वो डिपेंड रहता है ठीक है नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द स्टार्स बड़ा स्टार रहा तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा फ्यूअल भी उसके लिए ज़्यादा रहेगा तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप का स्टार एवोल्यूशन होता ही रहता है ठीक है बड़ा है तो ज़्यादा एवोल्यूशन के बाद अलग अलग टाइप का स्टार के थ्रू जाएंगे और छोटा स्टार रहा तो जल्दी से उसका लाइफ प्रोसेस फिनिश हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द स्टेज ऑफ द हाइएस्ट हाइयर द मास ऑफ द स्टार द फास्टर इज द रेट ऑफ एवोल्यूशन मास का ए बड़ा रहा तो एवोल्यूशन जो है वो भी फास्ट हो जाएगा एंड द डिफरेंट स्टेज इज ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ़ द स्टार विच इज़ द पाथ ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द स्टार तो अलग अलग टाइप का स्टार्स हम लोग देखा रेड जैन स्टार और लो मास स्टार एक्स, और बाद में वाइट डॉर्फ स्टार में वो चेंज होता है तो ऐसा एवोल्यूशन का अलग अलग टाइप का जो है स्टेजेस है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एवोल्यूशन बोलते हैं और ये जो है मास के ऊपर डिपेंड रहता है ओके और वी हैव सीन दैट व्हेन एनर्जी जनरेशन स्टॉप द टेम्परेचर डिक्रीज कॉसिंग द गैस प्रेशर टू डिक्रीज गैस प्रेशर डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जब एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स हो जाता है या ये जो फ्यूअल बर्न होता है वो बंद होने लगे तो एनर्जी जो है वो भी कम होता है एंड द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस तो स्टार जो है कम होते जा रहे हैं और जो द डेंसिटी कम हाई उसके अंदर का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है एंड सम न्यू टाइप्स ऑफ प्रेशर आर जनरेटेड विच डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस तो प्रेशर क्रिएट होता है और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है इन सच केस द गैस प्रेशर रिमेंस कॉन्सटेंट even after the energy generation stops completely and temperature of the gas goes decreasing so temperature jo hai wo kam hote jate hain and the stability of the star can remain intact for ever and this can be considered as the end of the stage of the star तो so, ये जो stability है वो आ, क्या बोलते हैं कम होते जाते हैं और जो लास्ट में स्टार का एंड हो जाता है ठीक है एंड स्टेज हो जाता है तो देर आर थ्री वेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल मास तो इनिशियल मास के हिसाब से टी थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है द पाथ ऑफ एवोल्यूशन एंड द एंड स्टेज फॉर ऑल स्टार्स इज द सेम ग्रुप इज सेम लेटेस्ट तो अभी जो एवोल्यूशन है उसके हिसाब से थ्री स्टेज में उसको ये किया डिवाइड किया हुआ है तो फर्स्ट वाला जो है दैट इज़ द एंड स्टेज ऑफ स्टार्स हैविंग इनिशियल मास लेस देन एट टाइम एंड द मास ऑफ द सन इज लेस देन एट ठीक है मास ऑफ द स्टार इज लेस देन एट टाइम ऑफ द मास ऑफ द सन सन का जितना मास है उसे एट टाइम्स कम है मास ऑफ द स्टार वो कैसे उन स्टार्स का वो का एंड स्टेज कैसे होता है और एंड स्टेज ऑफ स्टार हैविंग मास बिटवीन एट एंड ट्वेंटी फाइव टाइम द मास ऑफ द सन मास का सन का मास जो रहता है उसका ट्वेंटी फाइव टाइम्स और एट टाइम्स के बिटवीन जो रहता है स्टार का मास वो एक टाइप का रहता है और दूसरा जो लास्ट वाला क्या है एंड स्टेज ऑफ स्टार स्टार का एंड स्टेज कैसे होता है हैविंग मास लार्जर दैन ट्वेंटी फाइव टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन सन का जो मास रहता है उसे भी ट्वेंटी फाइव टाइम्स ज़्यादा रहा लार्जर मास uh, रहेंगे स्टार का तो उनका एंड स्टेज जो रहता है वो ऐसा तीन टाइप में ये स्टार का एंड स्टेज जो है वो डिवाइड किया हुआ है एंड यू रीड दैट एंड स्टेज ऑफ द स्टार्स हैविंग इन लेस दैन एट टाइम्स ऑफ द सन्स मास एंड बिटवीन एट टू ट्वेंटी फाइव ऑफ द सन्स मास एंड ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव ऑफ द मास ऑफ द सन ठीक है तो ये तीनों आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ के देख लेना ओके दैन बाय